हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 39 करेंगे, जो कि क्लास सेवेंथ की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 25 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, इंटीजर डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स डिवीज़न। देखो क्या कहा गया है कि इंटीजर्स क्या है, जैसे कि 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है, इंटीजर्स है। डिवीज़न इन द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। तो डिवीज़न जो है वो मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, एकदम अपोजिट होता है, इनवर्स होता है। जैसे कि देखो, मैंने पिछली वर्कशीट में भी बताया था कि जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया था तो पेयरिंग में अगर माइनस मार्क है तो वो क्या हो जाएगा, कट जाता है। तो सेम यहाँ पे भी इसी तरह से होगा। देखो जैसे कि माइनस टू को अगर हमने 6 से क्या किया, हम माइनस यहाँ पे हमने क्या किया, देखो ध्यान से समझो कि 2 को हमने क्या किया, माइनस 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में क्या आ रहा था, माइनस 12। लेकिन अगर माइनस 2 को हमने क्या किया है, माइनस 6 से मल्टीप्लाई किया है, तब हमारा आंसर क्या था, पॉजिटिव 12 ना। ये दोनों पेयरिंग में आ रहे थे, कट रहे थे। तो इसी तरह से डिवीज़न में भी होता है कि माइनस 12, समझो इसे ध्यान से, क्या कहा गया है कि माइनस 12 अगर दिया गया है, देखो माइनस 12 को हमें डिवाइड करना है माइनस 6 से, तो ये पेयरिंग में होने के कारण ये कट जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2। अगर इसकी जगह यहाँ दिया जाता जैसे कि माइनस 12 को हमें 2 से डिवाइड करना है, तो देखो क्योंकि यहाँ पे माइनस पेयरिंग में नहीं आ रहा तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आ जाएगा माइनस 6। अगर यहाँ माइनस होता तो ये माइनस माइनस कट जाता और पॉजिटिव नंबर आ जाता, लेकिन अगर यहाँ पे दिया गया है 6, यहाँ पे दिया गया माइनस नहीं दिया गया, तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस का 2। बस इस बात को ध्यान रखना है आपको। देखो जैसे कि 72 को अगर हम 9 से माइनस 9 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होगा, माइनस 8। इसी तरह से 72 को अगर 8 से हम डिवाइड करते हैं माइनस 8, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 9। 12 को 3 से क्या किया हमने, डिवाइड किया तो 4 आंसर आया, 4 को किया तो 3 आंसर आया। ठीक है, बस यहाँ पे इसी बात को समझिए कि पेयरिंग में अगर माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और अगर सिंगल है तो वो आंसर में भी सिंगल आ जाएगा। देखो आगे क्या कहा गया, डिवीजन इज नॉट कम्युनिकेटेड फॉर इंटीजर्स। जैसे कि माइनस 8 को अगर हम माइनस 4 से डिवाइड करते हैं तो वो माइनस 4, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल नहीं है। मतलब कि ए बी को अगर हम भाग करते हैं और बी और ए को, तो जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा था ए मल्टीप्लाई बी इक्वल होता है बी मल्टीप्लाई ए, ये हमने पिछली वर्कशीट में किया था, ये इक्वल होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन जब डिवीज़न की बात करते हैं, हम लिखते हैं ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल बी डिवाइडेड बाई ए, तो ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल से हम समझ चुके हैं इसको। इन जनरल द एनी पोजिशन ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ए को अगर ए बी से भाग किया, बी को ए से भाग किया, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है, फॉर एनी इंटीजर डिवाइडेड बाई माइनस 1, अगर किसी भी इंटीजर्स को माइनस 1 से डिवाइड किया जाता है तो वो आंसर जो है वो सेम नहीं होगा, सेम इंटीजर्स आंसर नहीं आएगा। फॉर एनी, देखो हम इसे समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि माइनस 8, हम समझते हैं, देखो क्या कहा गया है कि माइनस 8 को अगर हम माइनस 1 से डिवाइड करते हैं, माइनस 8 को हमने माइनस 1 से किया तो पेयरिंग में हो गया, आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। इसी तरह से अगर 8 को हम माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 8। तो क्या होगा, अगर हम माइनस 1 से किसी भी इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो इंटीजर्स क्या होगा, सेम, जो आंसर आएगा वो उसका इंटीजर सेम नहीं होगा। डिवीज़न इज नॉट एसोसिएटेड फॉर इंटीजर्स, डिवीज़न जो है वो जैसे कि हमने मल्टीप्लीकेशन किया था उसमें एसोसिएशन जो प्रोसीजर था वो मतलब अप्लाई हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एसोसिएटिव प्रोसीजर जो है वो अप्लाई नहीं होता। जैसे कि अभी हम इसको समझ भी चुके हैं कि 16 को अगर आपने 4 से डिवाइड किया, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका, लेकिन अगर आप 4 को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या यही आंसर आएगा आपका, नहीं, ये आंसर आपका नहीं आएगा, ये क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। अब देखो एसोसिएटेड में क्या होता है, 3 ए बी और सी है ना, एसोसिएटेड में हमने देखा था कि ए बी सी अगर हम करते हैं, यहां पर हम करते हैं बी ए सी, तो ये मल्टीप्लिकेशन में क्या थी, अप्लाई हो रही थी। लेकिन अगर हम ए को बी से और फिर हम सी से डिवाइड करते हैं, इसी तरह से हम सी और ए को डिवाइड करते हैं फिर उसे बी से डिवाइड करते हैं, तो ये रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होता, ये इक्वल नहीं आता है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया, देखो 16 को 4 से डिवाइड किया गया, 16 को क्या किया गया, 4 से डिवाइड किया गया है और फिर उसे 2 से डिवाइड किया गया, फिर देखो यहाँ पर क्या किया गया, 4 को 2 से डिवाइड करके 16 से डिवाइड किया, तो ये इक्वल नहीं आता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से बेटा आप इसे करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर, देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन आंसर में, बहुत आसान क्वेश्चन आंसर है बेटा इसके। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो ए पर बेस्ड है कि 30 को अगर हम -10 से डिवाइड करते हैं, देखो -30 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, -3। ठीक है,
आंसर क्या आ जाएगा, माइनस थ्री। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर 50 को आप क्या करते हैं, माइनस फाइव से डिवाइड करते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस टेन। ये तो आप कर लेंगे ना बेटा। माइनस 75 को आपने क्या किया, 75 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस वन। इसी तरह 24 को माइनस सिक्स से जब डिवाइड करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस फोर। 48 को आपने 16 से डिवाइड किया, तो कितना आ जाएगा आंसर, माइनस थ्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर टू, बहुत आसान है बेटा, बस समझने की ज़रूरत है। माइनस 36 को आपने 9 से मल्टीप्लाई किया, देखो माइनस 36 है और 9 से डिवाइड किया, तो देखो ये दोनों पेयरिंग में आ गए, कट गए, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, 4। इसी तरह से 49 को जो 49 से माइनस 49 को माइनस 49 से आपने डिवाइड किया, तो दोनों पेयरिंग में आने के कारण क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 80। आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब 87 माइनस 87 को माइनस 1 से आपने डिवाइड किया, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस, देखो माइनस 87 और माइनस 1 से किया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 87। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 64 को आपने 16 से डिवाइड किया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। और 20 को आपने 10 से डिवाइड किया, आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो सी पर बेस्ड है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, माइनस 81 को, माइनस 81 को अगर आपने 1 से डिवाइड किया, तो आंसर क्या आएगा आपका, माइनस 81। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है क्वेश्चन, 369 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 369। उसके बाद 13 को, एक सेकंड देखते हैं हम क्या कहा गया है, 69। 13 को हमें अगर माइनस 1 से डिवाइड करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 13। 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो आंसर क्या आता है, 0। और 2 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो 2 को अगर 0 से डिवाइड करते हैं, तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन। राइट एनी फाइव पेयर ऑफ इंटीजर्स ए बी सच एज ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल थ्री, वन सच पेयर इज गिवन। देखो क्या कहा गया है कि ऐसे पेयर बनाओ जहाँ पर क्या हो कि ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल कितना आना चाहिए, माइनस थ्री के इक्वल आना चाहिए। जैसे कि हम फर्स्ट बनाते हैं कि नाइन को, नाइन को अगर आप माइनस थ्री से डिवाइड करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, माइनस थ्री। पेयरिंग क्या हुई, नाइन और माइनस थ्री। दूसरा ले लो आप, 12 को अगर आप माइनस फोर से डिवाइड करते हो, तो आंसर क्या आएगा, माइनस थ्री। पेयरिंग क्या हो गई, 12 और माइनस फोर। ठीक है, थर्ड ले लेते हैं हम, 15 को अगर माइनस फाइव से डिवाइड किया जाए, तो आंसर क्या आया, माइनस थ्री। और हमारा पेयरिंग क्या हुई, माइनस, ये हमारी पेयरिंग होगी। फोर्थ देख लो, 18 ले लेते हैं, 18 को अगर हम माइनस सिक्स से डिवाइड करते हैं, तो आंसर क्या हुआ, माइनस थ्री। पेयरिंग क्या होगी, 18 और माइनस सिक्स। पाँच बनाने ना, हमें पाँच बना लेते हैं। फिफ्थ देख लो, 21 को हम करते हैं 7 से डिवाइड, 21 को हम क्या करते हैं, माइनस 7 से डिवाइड, तो आंसर क्या है, माइनस थ्री। पेयरिंग क्या हुई, 21 और माइनस 7। इस तरह से आप कोई भी पेयरिंग यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।